गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी कैसे हैं? पहले क्लास में हम लोगों ने उ पढ़ा था, आज हम लोग पढ़ेंगे ऊ, बड़ी ऊ। ऊ से क्या होता है? ऊंट। ऊ से क्या होता है? ऊन। तो यहाँ पर सीरियल वाइज लिखा हुआ है, उसको हम लोग मिलाकर बड़ी ऊ बनाएंगे। तो देखिए कैसे बन रहा है। वन टू थ्री फोर। नीचे देखिए यहाँ लिखा हुआ है ऊ का अभ्यास। तो हम लोग लिखने का अभ्यास कैसे करेंगे, उसको नीचे दिया गया है। यहाँ पर देखिए ब्लू लाइन है ऊपर नीचे, उस ब्लू लाइन को टच नहीं करना है। लाल लाल लाइन है उसको हल्का टच करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे, जो डॉट डॉट बना हुआ है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो इसको हम लोग जैसे ऊपर में किए थे वैसे ही करेंगे। वन टू थ्री फोर। वन टू थ्री फोर। वन टू थ्री फोर। ऐसे ही धीरे धीरे और साफ से हम लोग दिखने का कोशिश करेंगे। जो डॉट डॉट बना हुआ है उसको कंप्लीट करना है। जो डॉट डॉट बना हुआ है डॉट डॉट बना हुआ है उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। इस प्रकार ये दो लाइन कंप्लीट हो गया। नीचे जो बना हुआ है डॉट डॉट दिया गया है उसको भी अपने से कंप्लीट करना है और अभ्यास करना है। तो ये हो जाएगा आप लोगों का क्या, वो कंप्लीट हो जाएगा। नीचे देखिए सबसे नीचे लाइन पूरा खाली है, इसमें डॉट डॉट भी नहीं लगा हुआ है ना कुछ बना हुआ है, ये खाली है। तो इसको भी हम लोगों को अभ्यास करना है। जैसे डॉट डॉट में हम लोग लिखे तो अभ्यास हो गया, तो यहाँ पर हम लोग इसको बिना चिन्ह के लिखने का भी कोशिश करेंगे। तो हम लोग कैसे करेंगे, वन टू थ्री फोर। वन टू थ्री फोर। वन टू थ्री फोर। वन टू थ्री फोर। तो इस तरह से ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। इधर आप लोग इसको पूरी तरह से लिखने का कोशिश करिएगा और पूरी भर लीजिएगा, और यहाँ पर आप दिनांक लिखिएगा, ठीक है? तो बच्चों हम लोग ऊपर की ओर आएंगे और देखेंगे क्या लिखा है। चित्र पहचाने और उनके नाम का
पहला अक्षर लिखें। तो यहाँ पर क्या बना हुआ है? आम। तो आम का पहला अक्षर क्या है? आ। तो हम लोग यहाँ पर आ लिख देंगे। तो ये हो गया आम। वैसे यहाँ किसका चित्र बना हुआ है? ऊन। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? ऊ। बस ऊ लिख देंगे। तो ये कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर किसका चित्र है? उस तरह का। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे? बस छोटी ऊ लिख देंगे। थैंक यू।